हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीता सुंदर रावत, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर कहीं घूमने जा रहे हैं। सरप्राइज बताती हूँ, आई हो कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो घूमने जा रहे हैं हम दोस्तों, चलते हैं घूमने कांडाखाल की तरफ। काफल ढूंढने भी जा रहे हैं, काफल मिल जाए तो काफल भी ला लेंगे। तो दोस्तों, हम आए थे डाडा मंडी बिस्ताना गांव में, अनूप नेथानी भाई साहब जी के घर पे, जो कि होम स्टे का उन्होंने ग्रेपरेस किया था। उसकी वीडियो मैंने अगली वीडियो पे डाल दी थी, और पूजा वगैरह भंडारा किया था। तो आए थे हम वहीं, और वहां से अब हम घूमने जा रहे हैं। तो जाते हैं, इधर आ ही रखे हैं, तो गाड़ी लेके चलते हैं सब बहनें और भाई, और काफ़ी आगे तक जाएंगे। देखते हैं, काफल भी मिल जाएंगे, घूम के भी आएंगे। तो आप देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। काफल पाको, काफल का पेड़ है यहाँ पर, और देखो यहाँ भी पेड़, चीड़ के बहुत सारे पेड़ हैं, पूरा चीड़ के पेड़ है। इधर साइड में तो चीड़ी चीड़ है, चीड़ी चीड़ है, चीड़ी चीड़, चीड़ी चीड़, चीड़ी चीड़। क्या ये हाथ नो ना, पैदल जाने यहाँ से हमने बोल तो रहे थे कि ऊपर को तो कुछ नहीं, पर वो चढ़ाई है शायद, बोल रहे कांडा खाएंगे तो गांव से उतरे जाना पड़ेगा। यहाँ कहाँ कहाँ जाना है, यहाँ काफल मुझे तो काफल के लिए, काफल के लिए बोल रहे हैं। तो ये बैठ चुके हैं हम बहने गाड़ी में, और चलते हैं कांडाखाल की तरफ। एक बार बता, जाते सामने हमने तिमला खाने हैं यहाँ पे पके हैं दीदी, बना लेगा लोग वाला ना। कांडा खा ले, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कांडा खाल मार्केट में। ये है बड़ेत गांव, और बड़ेत गांव भी बहुत अच्छी जगह है, शानदार जगह में बड़ेत गांव है ना, बड़ेत गांव है। कितना मौस है यहाँ, पूरा गांव है, रहते भी हैं लोग, पूरा यहाँ है नीचे है ना ये। और कितनी अच्छी जगह में देखो, शानदार जगह में, बहुत अच्छी जगह। तो दोस्तों, दुकान वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि 80-90 तक परवार है यहाँ, बहुत अच्छी बात है। तीम लगे सब्जी ले जा रहे हैं, तो यहाँ तीम लगे पेड़ में चढ़ रही है मैडम, देखो मैं थोड़ी तीम लगे सब्जी के पीछे पड़े हैं ये तीम लगे। हाँ तो लो, मंदिर है यहाँ पर श्री देवी शक्ति माँ दुर्गा, कांडा खाल। विश्राम ग्रह में बैठे हैं, बड़त का विश्राम ग्रह जिसमें कि तिमले भी हैं थोड़ा, खीरा और कटा जा रहा है यहीं पर, तिमले भी खाते हैं ना हम। हम अभी अभी आए देश से, तो हमें पता नहीं है कि कौन से लेकिन पके तिमले ही नहीं, इसके तिमले होते हैं हमें पता नहीं। हां क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हां ओगल तोड़ रही हूं मैं, लोग कह रहे ओगल है, ओगल है, इधर अब बोलो, ए ना ठीक इधर अब बोलो, अलग मत करो उसको, काट के बीच में डालो।
खीरा खा रहे सबके सब बेस्ट काम कर रहे हैं। सर दोस्तों यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल भी बने हुए हैं, होम स्टे बने हुए हैं और पर्यटक के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार जगह है, शांत वातावरण है। मंदिर देव मंदिर ग्राम हथनोड़ आगे स्कूल है, धीरे चले अच्छा स्कूल है यहाँ पर और मंदिर यहाँ पर है ऊपर। तो हम जा रहे हैं हथनोड़ का देव मंदिर शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हमारे नीरज भाई साहब जी का गांव है यहाँ, पैतृक गांव। ये बहुत ही जगह बड़ी सीधे साइड साइडम ना हो वो पास भी अंदर मकान देखो बास बहुत सुंदर। और ये मंदिर है देवी मंदिर शिव मंदिर एवं देवी मंदिर है समस्त। ये पानी में पाँव डाल रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से गर्मी के कारण ठंडे ठंडे पानी से राहत मिल रही है फर्स्ट क्लास। कांति मुझे लग रहा है ये पानी ना टंकी में भर रहा है तभी रोक रहा है। हमारा देवी मंदिर, यह है देवी मंदिर हथनोड़ का। जय हो देवी माँ की, जय हो जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय हो जय हो जय हो नंदी जी की, जय हो। तो दोस्तों आपको भी दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी का, माता पार्वती का। पानी चढ़ा ले तुम पानी लाओ बोरी है चंदन घुसर रहा है। चंदन ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम। अच्छा ये आ गई हमारी लाठी टेक के देखो है, लाठी टेक टेकते हुए आ रही है, बुजुर्ग हो गए। गुरुद्वार की रहे घूम रहे हैं, आज हम घूम रहे हैं हथनोड़ी हथनोड़ी गांव घूम रहे हैं, हथनोड़ी हथनोड़ी गांव। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन कर ले आप लोगों ने भी, हमने भी, और अब चलते हैं बिस्ताना गांव। Thank you.
तगड़ों की मस्ती आई बोर्ड के गलो यहां पर ये क्या है बोर्ड से क्या है दरवाजा ना ना कैलेंडर कैलेंडर अच्छा यहां से चमक रहा है इन वे के होम स्टे बनी हूं ना मुझे वो ये आंगनवाड़ी का बोर्ड है फर्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया जगह हो आप लोग अच्छा जगह अच्छा तुम्हारा यो अभी दोस्तों होम स्टे शानदार पड़ी बाय बाय पुख्ता इंतजाम यू है उसके ऐसे तो उन्होंने ऐसे करना है ना उन्होंने भी ऐसे करना है ये सीमेंट लगाई ना दीदी ऐसे वो पत्थर अभी नहीं लगाया ना उन्होंने किसी और भाई का है ये तो उन्होंने भी बोल रहे बहुत सारा खर्च हो गया इस पे तो बहुत अच्छे से बन रहा है ना तो आपको दिखाते हैं ये थोड़ा हो जा ऐसे लग रहा है कि एसी लगा रखी है ये ना इस पे वो करना था उन्होंने छेद तो बंद कराने थे घूम का वो दे रखा ना क्या होगा तो हवा आती रहेगी गांव में भी इसलिए तो आते हैं तो तो दोस्तों ये बैकग्राउंड की दीवार है और उस पर हॉल किए हुए हैं कभी पानी आएगा ना तो उसके लिए घर की साइड जाएगा ना ये तो ये कुलनों बोलते हैं जैसे गांव में कुलनों कुलनों ना चलते हैं दो मंजिल में यहाँ तो बेड बुड लगे हुए आपके भाई साहब आप लोग कितने भाई मतलब सबकी सहमति से भाई आप अकेले भाई हैं दो भाई तो दोनों के सहयोग से दोनों के हाँ। बाद अगर चार पांच भाई हो तो सबके अलग अलग विचार हो जाते हैं यहाँ पे पिताजी लोग तो चार भाई हैं चार भाइयों की प्रॉपर्टी में ये मेरे पिताजी का हिस्से का मेरी उनसे बात हुई भाई साहब ने भाई ने कहा यार बना ले तेरा बंदा मेरा बंदा बात ये होता है ना बढ़िया साफ ठीक ठाक है ना उनकी तरफ से देखो पैसन बोर्ड से दीवार बना रखी है ना दीवार पक्की बना रखी है सीलन की जैसे बाइस बोर्ड इसी तरह से दोस्तों गांव में खर्च सकते हैं अच्छा सा मकान हाँ इतना कितना इंच रहता है ना ना वो अपने एक इंच है नहीं क्या चौड़ाई हाँ ये तो है अच्छा ये है। एक इंच की है एक से कम भी है ये भी है ये भी है ये बारह दस ऐसे अच्छा ये दीवार भी लगा आठ में तीन साइज के लगा हाँ बारह में आठ में ये उन्होंने अपने लिए बना रखा है ये तो है पतला वाला आठ में फ्लोर के लिए आया था वो है बारह में उसमें एक पार्टीशन है पार्टीशन बना है 12 इंच
और जैसे भारी वेट वेट बारे पड़ेगा तो नहीं होगा अगर ये मतलब ये बीच वाला नहीं होता तो तभी चल जाता लेकिन सेफ मतलब ताकि जनता ऑफिस सीजन में तभी चल मुझे हाँ। का है वो होगा लगभग 1800 से 2000 के बीच में। अच्छा जो पतला वाला है वैसे फिर 200-300 रुपए सस्ता। और ये पुराना मकान है तो मजबूत बना रखा है, पहले का देखो कितनी मोटी चिनाई है इस पे। पुराने मकान की चिनाई देखो कितनी मजबूत है। तो दोस्तों आप लोगों को भी घुमा दिया है और हमने भी घूम लिया है तो बहुत अच्छा। और वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई हो कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।